नमः शिवाय। असुर भाव का प्रतीक है, आप कृपया इसे अविलंब अपने आश्रम से दूर करें, अन्यथा आप... मैं भी इस अप्रत्याशित घटना से किन कर्तव्य विमूढ़ हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। हे महर्षि, आप कृपया कर मेरे साथ आए आए। महर्षि महर्षि, आप इसे अविलंब गुरु शुक्राचार्य के पास भेज दें, वे ही इसे इसके अनुरूप निर्देश करेंगे। आपसे एक भूल तो हो ही गई है, अब आप इसे अपने आश्रम में रखकर दूसरी भूल न कर बैठना, अन्यथा इसके कुप्रभाव से आप भूल पर भूल करते ही रहेंगे। महर्षि, आप मेरे जनक हैं, पिता हैं आप मेरे, मैं आपका दृष्टिपुत्र हूँ, आप ही मुझे आज्ञा दो कि अब मैं क्या करूँ। पुत्र मदासु, तुम्हारे और हमारे हित में यही उचित होगा कि तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सेवा में जाओ, वे ही समुचित ढंग से तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, उन्हीं के आदेशानुसार तुम्हें आचरण करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा पितावह। लगता है मुनिवर आप देवर्षि के साथ ही पधारे हैं, आप हमारे सम्माननीय अतिथि हैं, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। नहीं माता नहीं, आप व्यर्थ ही संकोच न करें। नारायण नारायण। माता सुकन्या, हम आप दोनों के दर्शन पाकर कृतार्थ हुए हैं, अब आप हमें आज्ञा दें। मुझे क्षमा करें। स्वामी, हमें 3 दिनों तक निराहार रहकर शिवरात्रि करते हुए इस भूल का प्रायश्चित करना है। तुम सत्य कह रही हो। परिचय नहीं दोगे
अब तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। मैं मदनमोहन चवन ऋषि का दृष्टि पुत्र, उन्होंने ही मुझे आपकी सेवा में भेजा है। चवन ऋषि? चवन ऋषि से हमारा क्या संबंध? ना सही, किंतु मदासुर से तो आपको संबंध नहीं होगा दैत्य गुरु, क्योंकि ये आपकी शरण में आया है। हमें अपनी दिव्य दृष्टि से देखने दो, ये सत्य क्या है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दोनों तुम्हें उत्पन्न करने का प्रायश्चित कर रहे हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि तुम्हें शिवाराधना करने से कोई लाभ नहीं, तुम माता शक्ति की आराधना करो, वे तुम पर प्रसन्न होकर सफलता का वरदान देंगे। मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए गुरुदेव, मुझे असुर धर्म की शिक्षा दीजिए। नहीं, कदापि नहीं, तुम चवन के समान हमारे मन में भी विकार उत्पन्न कर सकते हो। हम दैत्य गुरु हैं, दैत्य असुर ऐसे ही तो असुर विकृति किस सीमा और खाड़ी तक पहुंच जाएंगे कौन कह सकता है। इसलिए माता की आराधना करने से पूर्व तुम अपने आप को शुद्ध करो, फिर हमारे पास आओ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। आत्मशुद्धि के पश्चात माँ की आराधना का फल इसे अवश्य सोच रहा हूँ मित्र पर्वत, श्री गणेश के दर्शन के लिए चलें अथवा ना चलें। ऐसा सोचने का कारण देखकर मैं चकित रह गया था, आशंकित हूँ कहीं मेरी किसी बात से उन्हें क्रोध आ गया तो। वहां ना जाकर भी उचित ना होगा, कारण कि हम इस ओर से जा रहे हैं इसका ज्ञान तो उन्हें होगा ही। यदि हमने वहां ना जाकर उनकी उपेक्षा की तब क्या उन्हें क्रोध नहीं आएगा। देवर्षि नारद, कृपा करके गणेश लोक पधारे और हमें दर्शन दे। नारायण नारायण, अब तो श्री गणेश ने हमें देख ही लिया, जाना ही होगा श्री गणेश के पास। पधारे मुनिवर, आप दोनों को प्रणाम। श्री गणेश, सत्य तो ये है कि हम यहाँ आने का विचार कर ही रहे थे कि हमें आपके स्वर सुनाई दिए और हम आपकी सेवा में उपस्थित हो गए। देवर्षि, आप तो हमारे पूज्य हैं, आपके दोष देखना तो हमारे अधिकार में ही नहीं, परंतु सत्य तो ये है देवर्षि कि आप अकारण ही हमसे भयभीत होकर आने अथवा न आने की द्विविधा में ठहर गए थे। श्री गणेश, स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि नहीं देवर्षि, मुझे स्पष्टीकरण देने की क्या आवश्यकता है। मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ और क्षमा याचक भी, यदि कुछ अनुचित कहा हो तो। देवर्षि, आजकल आपके मन में आपके बाल सखा पर्वत मुनि पर अत्यधिक प्रेम उमड़ गया है, इसलिए सदा इन्हें अपने साथ रखने लगे हैं। नहीं गजानन, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है, ये तो केवल संयोग मात्र ही था कि सखा नारद मुझे आकाश मार्ग में मिल गए और हम दोनों साथ साथ चवन ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। चवन ऋषि के आश्रम? अच्छा, उनकी दृष्टि से उत्पन्न मदासुर के दर्शन करने। देवर्षि, ये आश्चर्यजनक ही नहीं दुखद स्थिति भी है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शक्ति की भक्ति करने का आदेश दिया है। अब माता पार्वती
शक्ति की उपासना करने से प्रसन्न तो होंगी ही, और शक्ति स्वरूप धारण कर ब्रह्मदेव के समान मदासुर को अवश्य कोई विचित्र वरदान दे डालेंगी। इस विषय में मुझे उन्हें सावधान करना होगा। शक्ति की जय। प्रणाम माता। सदा सुखी रहो गणेश, तुम्हारे प्रभाव और भक्ति में निरंतर वृद्धि हो, तुम्हारा यश दिग दिगंत तक प्रसारित हो। आपका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है माता, किंतु इस समय मैं अपनी शक्ति स्वरूपा माता को सावधान करने आया हूँ। सावधान करने आए हो मुझे? मदासुर के लिए। वो च्यवन ऋषि के मानसिक विकार से उत्पन्न हुआ एक नीच सुर है। माता, मदासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे ऐसा कोई वरदान न देगा जिससे जगत के निर्दोष प्राणी पीड़ित हो जाए। उससे कोई त्रुटि होने लगे तो? जनक है माता, मैं तो आपका बालक और जिस दिन पुत्र अपने माता की त्रुटियां देखने लगेगा उस दिन सूर्य के प्रकाश में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपकी त्रुटियां निकालने का अपराध मैं नहीं करूंगा, और वैसे भी बिना बुलाए आपके साथ मैं कैसे आ सकता हूँ? मदासुर ने केवल आपको बुलाया है। आप बता रहे, केवल यही प्रार्थना है, सचेत रहकर वरदान दे। प्रणाम माता। मदासुर, भक्त मदासुर, मैं तुम्हारी तपस्या और आराधना से प्रसन्न हूँ। मदासुर, वर मांगो। माता शक्ति, दैत्य गुरु ने सत्य ही कहा था कि आप अनुवांछित वरदान देने के लिए अवश्य प्रकट होंगे। मैं आपके दर्शन करके धन्य हुआ। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ मदासुर, वरदान मांगो। माता शक्ति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तो वरदान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या वरदान मांगना चाहिए। मैं तुम्हें वंश वृद्धि का वरदान देती हूँ। तुम्हारा वंश फूले फले, तुम शक्तिशाली पुत्रों के पिता बनो, परंतु ऐसा कोई कार्य न करना जिससे जगत के प्राणियों को कष्ट पहुँचे।
कल्याण भव। चलो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा। ओम प्रीम श्रीम शम शक्ति स्वरूपिण्यै स्वाहा। ओम रीम श्रीम शुम शिवप्रियायै स्वाहा। दैत्य शक्ति प्रकट हो। प्रतीत होता है भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न नहीं है। उन्होंने दैत्यों की उत्पत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है।